हेलो फ्लोनोस, दिस इज निकिता। और सिर्फ 2018 में ही ग्लोबली 1 in 7 वुमेन ने फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को खुद एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट गिनी जैसी एक छोटी और पुअर कंट्री में भी 10 में से 9 वुमेन के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ छोटी कंट्रीज ही नहीं बल्कि बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूके और यूएस जैसे बड़ी वेस्टर्न पावर्स में भी 4 in 5 वुमेन के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। 4 in 5 वुमेन, दैट इज अ ह्यूज नंबर। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या आपने कभी भी यूके या फिर यूएस जैसे कंट्रीज का नाम वुमेन सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को सुना है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ इंडिया का ही नाम सुनते। सो बेसिकली रियलिटी क्या है, क्यों ये लोग अपने कंट्री में अपनी औरतों के साथ हुए हुए क्राइम्स को डेटा को छुपा रहे हैं और इंडिया का नाम सामने कर रहे हैं? एंड कौन सी है वो कंट्रीज जो ट्रूली औरतों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, ऑब्वियसली फ्लोनोस, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर औरतों के लिए रहना किसी हेल से कम नहीं। एंड इसका पता हम वेस्टर्न वर्ल्ड के टॉप रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। सो रिपोर्ट नंबर 1, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स। जॉर्जटन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी ने लॉन्च की हुई इस रिपोर्ट में कंट्रीज को वेरियस क्राइटेरियाज लाइक वुमेन इंक्लूजन इन वेरियस एस्पेक्ट्स, जस्टिस एंड सिक्योरिटी पर जज करके वर्स्ट फॉर वुमेन्स कंट्रीज को रैंक किया गया। अब इन कंट्रीज के लिस्ट में अगर वर्स्ट कंट्रीज के रैंक्स देखें तो बॉटम 5 कंट्रीज है। सबसे पहले येमेन, जिसका रैंक है 167, सेकंड अफगानिस्तान रैंक 166, थर्ड सीरिया रैंक 165, फोर्थ पाकिस्तान रैंक 164 एंड फिफ्थ साउथ सुदान रैंक 163। अब इस इंडेक्स में इंडिया का भी रैंक कुछ अच्छा खासा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया और गिनी जैसे पुअर एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज को साथ में, मतलब दोनों को एक साथ 133rd रैंक किया गया। नाउ इजंट दिस वियर्ड, मतलब दोनों कंट्रीज में इतनी डिस्पैरिटीज होने के बावजूद भी सेम रैंकिंग कैसे मिल रही है? Now, report number 2. The Thomson Reuters Foundation survey of most dangerous countries for women. London-based इस foundation ने 500 experts को लेकर एक survey किया to find the most dangerous countries for women. इन experts ने rank किए हुए countries में top 5 worst ranking में countries आती है। ध्यान से सुनना। Rank number 1 India, second Afghanistan, third Syria, fourth Somalia and fifth Saudi Arabia. अब ये रैंकिंग देखकर कोई भी लेमैन पर्सन भी ये बता सकता है कि इंडिया इस लिस्ट में फर्स्ट आना, वो भी अफगानिस्तान जैसे कंट्री से भी आगे, जिसकी खुद की गवर्नमेंट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इज क्लियरली हिंटिंग टुवर्ड्स बायस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनमो के बारे में। बायनमो दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको बस कोई भी एसेट चुनना है और ये फोकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूं। मैं यहां पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और आप हल्का सा वेट करते हैं एंड यस, मेरा फोकस करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर में विड्रॉ कर सकते हो। अब इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाए। तो जाओ डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनमो को डाउनलोड करो और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपीज पाओ, जिससे आप नए नए ट्रेडिंग के लर्निंग के स्किल्स और स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितना आप एक्सपीरियंस होगे उतने ही आपके ट्रेडिंग के और आपके अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़े। लेकिन हाफ लर्नर्स, ध्यान से ट्रेड करना क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आई एम अ बायनोमिस्ट। आर यू? Now, coming back to the topic. Now, report number 3. Women's Danger Index, WDI. ट्रैवलर कपल एशर एंड लिरिक फर्गसन ने WDI रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट को रिनाउंड माना जाता है क्योंकि मेजर वेस्टर्न न्यूज मीडिया आउटलेट्स जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स अपने न्यूज पब्लिशिंग के लिए इस डेटा को यूज करते हैं। सो इस रिपोर्ट में कंट्रीज को इंटेंशनल होमिसाइड ऑफ वुमेन जैसे 8 डिफरेंट क्राइटेरियाज पर रैंक किया गया है। एंड इस रिपोर्ट के टॉप 5 वर्स्ट रैंकर्स हैं, रैंक नंबर 1 साउथ अफ्रीका, रैंक नंबर 2 ब्राजील, रैंक नंबर 3 रशिया, रैंक नंबर 4 मेक्सिको एंड रैंक नंबर 5 ईरान। अगेन इंडिया को इस इंडेक्स में भी 9th रैंक पे डाला गया है। अब चलो अगर आप ये मान ले कि ये सारी एक बायस रिपोर्ट है तो कोई तो ऐसी ट्रस्टेड रिपोर्ट्स होंगी ना जिसे हम ट्रस्ट करके उसे देख सके, उसे रेफर कर सके। एंड यस, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट को हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि OECD 38 कंट्रीज की एक इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर कंट्री। अब अगर OECD में वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट की टॉप 5 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वुमेन है नंबर 1 गिनी, नंबर 2
तिमोर लेते, नंबर 3 अफगानिस्तान, नंबर 4 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड नंबर 5 सोमालिया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इंडिया का अवॉइडेंस रेट 22.1% बताया गया एंड वहीं पे यूएसए का 11% बताया गया। सो अब एक अनबायस्ड इंटरनेशनल रिपोर्ट देखने के बाद क्या ये क्वेश्चन नहीं आता कि वेस्टर्न वर्ल्ड की रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स में इतना फर्क क्यों है? सो इसकी हिंट हमें ब्रांड डायरेक्टरी की ब्रांड नेशंस रिपोर्ट से पता चल सकता है। यहाँ पे यूएसए इस रिपोर्ट को टॉप करते हुए वर्ल्ड में टॉप ब्रांड कंट्री कहलाता है, यानी कि यूएसए बिकम्स वर्ल्ड की मोस्ट रिस्पेक्टफुल व्हाइट कॉलर कंट्री जिसकी इमेज पर कोई दाग नहीं है। सो वेल, यही चीज यूएसए भी कर रहा है। सो एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि यूएसए और बाकी सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी क्या इतने ही बड़े लेवल पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं? वेल, आई वुड से यस, बट वेट, डेवलप्ड कंट्रीज के क्राइम अगेंस्ट वुमेन जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ओईसीडी वाले रिपोर्ट में बताए गए टॉप 5 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वुमेन में किस लेवल पर क्राइम्स हो रहे हैं एंड आफ्टर ऑल वो वर्स्ट कंट्रीज फॉर वुमेन है ही क्यों। सो वेल, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद कंट्री नंबर 1, गिनी। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री गिनी का वॉयलेंस रेट 92.1% है और डेटा ये भी बताता है कि 10 में से हर 9 गिनी वुमेन एज 15 से ही वॉयलेंस एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। इनफैक्ट 2016 का सर्वे ये भी डेटा शो करता है कि उस साल 57.7 वुमेन ने फिजिकल वॉयलेंस एक्सपीरियंस किया था और 29.3% वुमेन ने सेक्सुअल वॉयलेंस एक्सपीरियंस किया था। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, गिनी में इसे रोकने के लिए लॉज है डेफिनेटली, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि अक्सर ये लॉ एंड ऑर्डर इग्नोर किया जाता है। नाउ नंबर 2, तिमोर लेते। साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड कंट्री तिमोर लेते का वॉयलेंस रेट 86.2% है। इस कंट्री में 3 in 5 यानी कि 59% वुमेन ने वॉयलेंस फ्रॉम देयर इंटीमेट पार्टनर्स को एक्सपीरियंस किया है। इससे डेंजरस तो ये भी है कि यहाँ 1 in 3 वुमेन यानी कि 14% वुमेन ये कहती है कि दे हैव बीन रेप्ड। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये था कि जब सेक्सुअल वायलेंस कमिट करने वाले मेन का ही सर्वे किया था तब पता चला था कि उनमें से 59% मेन ने तो टीनेज में ही ये क्राइम किया था खुद और उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया था। नंबर 3, अफगानिस्तान। यहाँ का वायलेंस रेट 80.2% है। वहीं पर 9 out of 10 वुमेन अपने इंटीमेट पार्टनर्स के थ्रू वायलेंस झेल चुकी है। इसके अलावा तालिबान के वायलेंस के बारे में तो कौन नहीं जानता है, जहाँ पे रेप्स, किडनैपिंग, फोर्सफुल मैरिजेस ये सब तो अफगानिस्तान में आए दिन होता ही रहता है। और प्लस जब से तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तब तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना मैसिव स्केल पे होता हो, क्योंकि तालिबान के आते ही उन्होंने 3000 टेररिस्ट को रिलीज किया जिसमें से काफी सारे वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन के लिए ही जेल में गए। नंबर 4 वर्स्ट कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नाउ एज द नेम सजेस्ट, सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद कंट्री जिसका वॉयलेंस रेट 79.6% है। इस कंट्री में 80% वुमेन ने सेक्सुअल या फिर जेंडर बेस्ड वॉयलेंस को खुद एक्सपीरियंस कर दिया है और इन्हीं वुमेन में से 1/3 वुमेन का रेप वहां पे मौजूद आम ग्रुप्स के मेंबर्स ने ही किया है। नाउ द लास्ट वर्स्ट कंट्री नंबर 5 इज सोमालिया। इस ईस्ट अफ्रीकन कंट्री सोमालिया का वॉयलेंस रेट 75.7% है। यहाँ की 25% वुमेन के साथ कोई ना कोई जेंडर बेस्ड वॉयलेंस हुआ है और ऑक्सफोर्म रिपोर्ट कहती है कि वहाँ पर वुमेन को सबसे ज्यादा सेक्सुअल वॉयलेंस तब फेस करना पड़ता है जब वो वाटर एंड फायरवुड कलेक्शन आउटडोर टॉयलेट्स। अब चलो, हमने ये तो जान लिया कि कौन से कंट्रीज का वॉयलेंस रेट क्या है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज कि इन कंट्रीज में इतना ज्यादा नंबर ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन होता ही क्यों है? व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड? सो रीजन नंबर 1, ऑब्वियसली पॉवर्टी। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉवर्टी होता है। मेन में फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से वो अक्सर अपना गुस्सा वुमेन पे उतारते हैं एंड वुमेन रिटेलिएट नहीं कर पाती, कुछ बोल नहीं पाती बिकॉज वो फाइनेंशियली मेन पे डिपेंडेंट होती है। रीजन नंबर 2, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। टॉप 5 में से 4 कंट्रीज में तो आर्म्ड एंड टेररिस्ट ग्रुप्स वहीं की गवर्नमेंट के साथ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में है, यानी वो खुद कंट्री ही वॉर प्रोन है। अब इसका मेजर इम्पैक्ट वहाँ की वुमेन पर पड़ता है, वो इन आर्म्ड ग्रुप्स की इजी टारगेट हो जाती है। रीजन नंबर 3, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सो जैसे कि हमने देखा कि ये सारे कंट्रीज वॉर प्रोन होने की वजह से वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती है एंड इसीलिए उन कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर जैसे कोई भी चीज एस्टैब्लिश अच्छे से नहीं होती है जो वहाँ की वुमेन को क्राइम से सेफ रख सके। रीजन नंबर 4, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। ये कंट्रीज वॉर प्रोन होने की वजह से और यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए माइग्रेट होकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहना पड़ता है। अब इन सब चीजों में वुमेन बहुत ज्यादा वायलेंस झेलती है क्योंकि जैसा हमने देखा उन्हें वाटर एंड फायरवुड कनेक्शन करते वक्त आउटडोर टॉयलेट यूसेज और हट के अंदर सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है। अब
ये थे कुछ reasons जिसकी वजह से ये countries को deadliest countries for women कहा गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, violence against women से भी छोटे countries में नहीं हो रहा है, बल्कि UK और US जैसे developed countries में भी हो रहा है। I know, unbelievable, right? But it's true. सबसे पहले बात करते हैं UK के बारे में। According to the Guardian's news report, more than 4 in 5 women ने UK में sexual harassment experience किया है। अब इनमें से 86% women 18 से 24 aged हैं, जिनका कहना है कि उन्होंने sexual harassment public places में experience किया है। और the Guardian के survey से ये भी पता चलता है कि respondents को UK authorities पर faith ही नहीं था कि वहाँ के authorities ये sexual harassment के case से deal भी करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूएसए के बारे में। यूएस में 1 in 3 यानी कि 31.5% वुमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है, जिसमें से माइंड यू स्टॉकिंग, रेप और अदर सेक्सुअल वायलेंस एक्टिविटीज इंटीमेट पार्टनर्स के द्वारा ही किए गए। यूएस में 19.3% वुमेन के साथ रेप हुआ है एंड 43.9% के साथ रेप के अलावा अदर सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। Now, this clearly shows कि इन countries में भी women की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी हमें में भी दिखाई जाती है। So, अब इसमें next question ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों हमेशा इस चीज के लिए इंडिया को ही criticize किया जाता है? So, well, इसके पीछे भी obviously काफी reasons हैं। Reason number one, US portrays himself as the world leader. वर्ल्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, यूएस सबसे पहले वहाँ पे इंटरफेयर करेगा, चाहे फिर वो कंट्री का इंटरनल मामला ही क्यों ना हो। इसके अलावा यूएस वर्ल्ड की सारी कंट्रीज पर मॉरल पुलिसिंग करता है, यानी कंट्रीज की गलतियां निकालकर उनको सॉल्यूशंस देता है। अब ये सब यूएसए इसीलिए करता है क्योंकि वो खुद को वर्ल्ड लीडर कहता है। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी कंट्रीज के साथ हमने भी यूएस को वर्ल्ड लीडर मान लिया है। रीजन नंबर टू, बायस्ड वेस्टर्न मीडिया। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मास कम्युनिकेशन की रिपोर्ट ये क्लियरली शो करती है कि कैसे वॉशिंगटन पोस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी जैसे वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स इंडिया के बारे में बायस्ड है, क्योंकि वो अक्सर एक एग्जैजरेटेड हेडलाइंस वाली न्यूज को प्रोपेगेट करते हैं बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक हिंदू, रायट्स और प्रोटेस्ट। प्लस ये न्यूज आउटलेट्स इंडिया को डीमिंग करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते, जैसे कि ये सारे न्यूज। रीजन नंबर 3, इंडियंस फॉलो वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स। IIMC की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इन वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स की इंडियन लीडरशिप वर्ल्ड में किसी भी और कंट्री से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर मार्च 2019 से मार्च 2021 की बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की 22%, WSJ, वॉल स्ट्रीट की 2.6% और BBC की मैसिव 173% लीडरशिप बढ़ चुकी है। So, इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडियंस हमारे ही देश की न्यूज जानने के लिए इन बायस वेस्टर्न मीडिया की न्यूज को लेते हैं और इन्हें सही भी समझते हैं। रीजन नंबर 4, बायस रिपोर्ट्स। अब इन वेस्टर्न बायस रिपोर्ट्स को तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन अब US मीडिया खुद इन रिपोर्ट्स को बायस बता रही है। लेकिन कब? जब उनके खुद की कंट्री को नीचे रैंक किया जा रहा है। इससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि कैसे वेस्टर्न मीडिया कितना ज्यादा हिपोक्रेटिक है और खुद को हमेशा ऊपर ही देखना चाहता है। So, अब हमने डेडलीस्ट प्लेसेस फॉर वुमेन तो जान लिए, कौन सा रिपोर्ट सही है या गलत है वो भी जान लिए। अब हमें ये भी समझ आया कि सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी वुमेन के ऊपर वायलेंस हो रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि इन वायलेंस में से डोमेस्टिक वायलेंस को इजीली रोका जा सकता है, बट इसमें शायद हमारी ही वुमेन इसे रोकना नहीं चाहती। और ऐसा मैं नहीं बल्कि PRB का सर्वे रिपोर्ट खुद कहता है कि इंडिया में 62% इलिटरेट एंड 31% लिटरेट इंडियन वुमेन हस्बैंड द्वारा बीटिंग को ठीक मानती है, उनको उस पर कुछ भी गलत लगता ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन लाना चाहती हूँ, इसके बारे में आपकी क्या सोच, कैसे हम इस वुमेन एम्पावरमेंट के पूरे इशू को और ट्रू फेमिनिज्म को, कैसे हम इंडियंस मिलकर इंडिया को वुमेन के लिए एक सेफ सोसाइटी बना सकते हैं, एक सेफ कंट्री बना सकते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या सलूशन? मेरा आपके जो भी आंसर्स है मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, आई वुड लव टू। इसके अलावा अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं खुद अब तक ये मानती थी कि इंडिया औरतों के लिए बहुत ही गंदा देश है और सेफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के बाद ही मुझे ये समझा कि इंडिया इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ इतना ज़्यादा बुरा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि सारा गेम है एक नोशन का, एक पर्सपेक्टिव क्रिएशन, जो वेस्टर्न मीडिया का बायसनेस बहुत अच्छी तरीके से करता है। हमें हमारे दिमाग में ये बात भर रहे लोग कि इंडिया तो अच्छा देश नहीं है, इंडियंस अच्छे लोग नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट खड़े हो, हमें इनकी बायस्ड एजेंडा में नहीं फॉलो करना बल्कि फैक्ट्स को स्टिक करना। हाँ, इंडिया में ऑब्वियसली काफी सारा स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया सबसे वर्स्ट कंट्री। सो अगर आप चाहते हो कि ये सोशल मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचे और उन्हें इंडियंस होने पर गर्व हो, प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। This is very important.
इसके अलावा फ्लोन ऐसे ही और भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे वीडियोस बनाते रहता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने में मजा आता है तो मेरे चैनल गेट सेट माय फ्लोन को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लोन की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।